मध्य प्रदेश में इन दिनों नदी नाले उफन रहे हैं, भारी बारिश के चलते सब जगह अलर्ट घोषित किया गया है। हम रायसेन में हैं और रायसेन जिले में कल भारी बारिश हुई है। शहर में पानी भर गया था, शहर के बाहरी इलाकों में पानी भरा हुआ। आप देख सकते हैं जो बेतवा नदी उफनी है तो वो जो पुल बन रहे हैं पुल को तो पानी छोड़ दिया, मगर जो नीचे के निचले रास्ते उनमें पानी भर गया, वहाँ से लोगों को निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। और साथ ही साथ खेतों में पानी भरा हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप में भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी पानी भरा हुआ है। और ये पानी कल सुबह से भरा हुआ अब धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि पानी का अब कुछ कम हो रहा है, बारिश कम हुई है जिसके चलते। मगर इसके सबके बावजूद रायसेन में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है कलेक्टर ने। रायसेन के साथ साथ जो पास के जिले हैं सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, इन तमाम जगहों पर पानी का भारी अलर्ट है। और इन स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है, और क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि भारी से भारी बारिश की यहाँ चेतावनी दी गई है। मगर निश्चित ही इस बारिश ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लोग निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटे पुल हैं, सबमर्ज हो गए हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। और मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले इन जिलों के कलेक्टर से बात की है, जहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ जो बांध है, यहाँ जो पानी ज़्यादा भरा है उसकी वजह यही है कि जो बेतवा का जो बांध है बांधना, वहाँ पर जब काफ़ी बारिश हुई तो वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि इन जिलों में पानी भर रहा है। ये तो पेट्रोल पंप है, यदि हम पड़ोस की बात करें तो पड़ोस में खेत है। इस खेत पर भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी पानी भरा हुआ है। और ये पूरी जो धान की फसल है वो बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो पानी गिर रहा है उसने यहाँ के जल स्तर को काफ़ी बढ़ा दिया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेत में पानी भरा हुआ है, तकरीबन ये धान की फसल भी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और प्रशासन ने कोशिश की है कि किसी तरह लोगों को चेतावनी दी गई है कि सुरक्षित जगहों पर रहें और ऐसी कहीं दुस्साहस ना करें जिससे कि जान माल का खतरा हो। लेकिन निश्चित ही आने वाले 1 और 2 दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। कर्मेन होमेन के साथ ब्रजेश राज, एबीपी न्यूज़, रायसेन।